महानगर स्थित सेंट एंड्रयूज महाविद्यालय परिसर के क्रीड़ांगन पर चल रहे आमंत्रण लीग कम नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता में रविवार को स्टार जूनियर के खिलाड़ियों ने अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय विद्यालय की टीम योजनाबद्ध तरीके से आक्रमण करते रहे, किंतु बराबरी का गोल नहीं कर सके। मध्यांतर तक संघर्षपूर्ण मुकाबला रहा। मध्यांतर के बाद स्टार जूनियर टीम के खिलाड़ियों ने आक्रमण करते हुए गोल करने के कई अवसर गंवाए। वहीं केंद्रीय विद्यालय की टीम के खिलाड़ी द्वारा अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हुए विपक्षी टीम के गोल करने के अवसर विफल कर दिया। मध्यांतर के बाद खेल 40वें मिनट में केंद्रीय विद्यालय के द्वारा दूसरा गोल कर अपनी टीम को 2-0 से विजय दिला दी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला फुटबॉल संघ के सचिव मोहम्मद हमजा खान ने कहा, हमजा खान, फुटबॉल सेक्रेटरी गोरखपुर। ये टूर्नामेंट आमंत्रण फुटबॉल लीग सिंडुज महाविद्यालय के प्रांगण में 13 तारीख से प्रारंभ हुआ और इस टूर्नामेंट में गोरखपुर से 12 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। आज पहला मैच केवी और स्टार जूनियर के बीच हुआ, जिसमें केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स ने 2-0 से मैच जीत लिया। इस मैच में मुख्य अतिथि के रूप में हरिलाल सिंह मौजूद रहे और आपके समक्ष ये दूसरा मैच खेला जा रहा है। चरगावा बॉयज़ और सेंट जूड्स क्लब के बीच और अभी तक इस संघर्षपूर्ण मुकाबले में 0-0 की बराबरी है और बहुत सौभाग्य की बात है, हमारे बीच रेलवे पूर्वोत्तर रेलवे के स्पोर्ट्स अफसर रवींद्र कुमार मेहरा, जो डिप्टी चीफ इंजीनियर के पद पे हैं और प्रमोटी अधिकारी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप बच्चों के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया, साथ साथ इस कमेटी का भी उत्साहवर्धन किया और उन्होंने कहा कि भविष्य में और भी हम मदद करते रहेंगे इन बच्चों को खेल के लिए, अगर जो मुझसे संभव हो सकेगा। इस तरह की उन्होंने अपनी टिप्पणी दी और ये निरंतर अपने प्रगति की ओर है टूर्नामेंट, जिसका 21 को फाइनल होना है और अभी मुख्य अतिथि तय नहीं है। 21 तारीख को इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच होना है इसी प्रांगण में सेंट लुइस कॉलेज के मैदान में।